जय माता दी। दोस्तों, चैत नवरात्रि का प्रारंभ हो ही गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत रखने का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि नवरात्रि पर जो भी इंसान सच्चे मन से व्रत रखता है, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। बता दें कि उपवास करना धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। कुछ लोग जहां पूरे दिन भूखे रहकर सिर्फ शाम के वक्त हल्के फुल्के फलाहार का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अनाज व नॉर्मल खाने की जगह व्रत के दौरान फल, दूध और दूसरी व्रत से जुड़ी चीजें खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग दिन भर भूखे रहकर रात में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं, वो भी बिना नमक के। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि व्रत में नमक का सेवन क्यों नहीं किया जाता? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवार के व्रत में नमक क्यों वर्जित है। तो आइए जानते हैं। दरअसल सामान्य सफेद नमक के बारे में ऐसी मान्यता है कि आर्टिफिशियल और केमिकल बेस्ड नमक होता है। इसे शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए व्रत या धार्मिक आयोजनों पर बनने वाले भोजन में इस नमक का प्रयोग मना किया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत में नमक का प्रयोग करते हैं, आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक को सफेद नमक की तुलना में ज्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। नमक न खाने की एक और वजह ये भी है कि इस व्रत के दौरान आपको हल्का भोजन करना होता है, लिहाजा एक दिन नमक न खाने से शरीर में हल्का बन महसूस होता है। तो वहीं सेंधा नमक की बात करें तो ये न सिर्फ खाने को हल्का बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद कूलिंग प्रॉपर्टीज व्रत और उपवास के दौरान बनने वाले खाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसे व्रत के दौरान शरीर को जरूरी स्ट्रेंथ मिल जाती है। आयुर्वेद में भी सेंधा नमक को सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक नमक माना जाता है, क्योंकि ये तीनों तरह के दोष, कफ, वात और पित्त को शांत करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नमक में शरीर के लिए जरूरी सारे तत्व जैसे कि लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक वगैरह शामिल होते हैं। तो वहीं सेंधा नमक में किसी तरह की अशुद्धियां और रसायन नहीं होते। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दिन कुट्टू के आटे और आलू का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सुस्ती से बचने के लिए पनीर और आइसक्रीम वाले दूध के सेवन से बचें, ताजे फलों के जूस का सेवन करें। व्रत के दौरान ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आप डाइट में ऐसे फल भी शामिल कर सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।